नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मोबाइल का पैटर्न लॉकअप कैसे हटा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल का बिना डेटा खोए हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार ऑफ कर दीजिए, ठीक है। ऑफ करने के बाद ओपन कीजिए। इसके बाद जो आपको मैं पासवर्ड जो मैं बताने वाला हूँ उसको एक बार अपने मोबाइल में डालना है। उससे पहले देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे फ़ोन का पासवर्ड क्या है, ठीक है। जैसे मेरे फ़ोन का पैटर्न लॉक है ये, इससे हमारा फ़ोन खुल गया। मान लीजिए हमारा पासवर्ड हमारा भूल गए हैं या मालूम नहीं है, ठीक है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद जो आपको मैं पैटर्न लॉक जो मैं आपको बताऊंगा उसको अपने मोबाइल में अप्लाई करना है, ठीक है। इसको हम ओपन कर देते हैं। इसके बाद हम इस पर वही पैटर्न लॉक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच में 20 से ऊपर जाना है, इसके बाद नीचे आना है, फिर नीचे आना है, फिर नीचे ऐसे जाना है, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर आना है, इसके बाद फिर राइट जाना है, इसके बाद फिर इधर जाना है, इसके बाद आपको इधर पर छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसको हम खोल देते हैं। ये हमारा पासवर्ड बिल्कुल रॉन्ग बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अपने मोबाइल को पावर अप बटन दबाना है एक बार। कहाँ गई यार ये, एक बार अपने मोबाइल का पावर बटन दबाना है और एक बार डाउन बटन दबाना है, और उसके बाद अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट में हमने क्लिक कर दिया, हमारा मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है। देखिए, हमारा मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें पासवर्ड डालेंगे, तो इस पर हमको एल बना देना है, ठीक है। एल बनाने के बाद आपको वैल्यू अप वाली बटन को 5 बार क्लिक करना है, 1 2 3 4 5, और इसके बाद आपको छोड़ देना है। इसके बाद हम इसमें पासवर्ड डालेंगे, तो हम इस पर होम सिर्फ बना देना है, तो हम इस पर होम बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने इसमें होम बना दिया है और हमारा मोबाइल खुल चुका है। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, चला सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद हमारे चैनल जुड़े रहने के लिए।